वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बच्चों का फेवरेट स्विस रोल बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल मार्केट जैसा बन के तैयार होता है, बहुत ही ईजली बन जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक कप मैदा ले लिया है, आधा कप शुगर पाउडर है, 1/4 कप कोको पाउडर है, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1/4 टीस्पून सोडा है, 1 टीस्पून वनीला एसेंस है, 1 कप दूध ले लिया है, 1 टीस्पून विनेगर है, 3/4 कप ऑयल है। सबसे पहले दूध डाल देंगे, इसमें हम लोग ऑयल डाल देंगे, विनेगर डाल देंगे, स्पून से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, शुगर पाउडर डाल देंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे शुगर को एकदम इसमें, ताकि शुगर पूरी घुल जाए। एक छन्नी रखेंगे, मैदा डाल देंगे उसके ऊपर, कोको पाउडर भी डाल देंगे, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं हमारे सब हम इसके ऊपर डाल देंगे। बेकिंग पाउडर डाल दिया है, सोडा भी डाल दिया, इसको हम लोग छान लेंगे। छानने से अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स भी हो जाती हैं, और अगर कुछ बाई चांस इसमें होता है तो वो भी रह जाता है कुछ। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक स्मूथ फाइन पेस्ट बना लेना है हमको इसका मिक्स करके, कोई भी इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। देखिए लम्स फ्री बैटर बन गया है। 1 टीस्पून हम लोग इसमें वो डाल देंगे वनीला एसेंस, मिक्स कर लेंगे उसको अच्छे से। अगर आपको बैटर थिक लगता है तो आप 1 टेबल स्पून इसमें दूध डाल दें, 1-2 टेबल स्पून, और इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, नहीं तो बैटर अच्छे से पैन पे फैलेगा नहीं। 2-3 ड्रॉप ऑयल लगा देंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। एक करछुली या कोई बड़ा सा स्पून ले लें, ऐसे बीच में डालेंगे और पैन को अच्छे से हिला देंगे ताकि पूरे पे बैटर फैल जाए। बैटर को फैला देंगे पूरे पैन पे, और अपने चूल्हे पे या जिस पे भी बना रहे हो उसको एकदम सिम पे रखना है। 6 मिनट तक हम लोग इसको एकदम धीमी आंच पे पका लेंगे। ये देखिए 6 मिनट में बन के रेडी हो गया है, खूब सॉफ्ट हुआ है एकदम। निकालने में अगर कुछ हल्का फुल्का क्रैक हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग वैसे भी इसको रोल करेंगे और इसको हम लोग कवर करके रखेंगे, खुला खुला नहीं रखेंगे, हार्ड हो जाता है। इसी तरह हम सारे पैन के बना लेंगे। हमने इसके साइड्स काट के इसको स्क्वायर कर लिया है ताकि अच्छा रोल बन के तैयार हो हमारा। स्क्वायर रहेगा तो रोल करने में ईजी हो जाता है, और इसकी जो एजेस निकले हैं उसको हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको ऐसे एक एक करके, एक बटर शीट ले लिया है, बटर पेपर ले लिया है, उसके ऊपर हमने तीनों केक्स अपने लगा दिए हैं। जितना बैटर हमने बनाया था इतने बैटर में हमारे 3 केक्स बने हैं। 2 टेबल स्पून शुगर पाउडर ले लेंगे, उसको ऐसे किसी भी छन्नी में रख के पूरे केक के ऊपर छिड़क देंगे। व्हिप क्रीम लगा देंगे, बटर पेपर की हेल्प से हम लोग इसको रोल कर लेंगे, अच्छे से रोल हो जाता है। फिर इसी बटर पेपर में हम इसको रोल करके फ्रिज में डाल देंगे कम से कम 2-2.5 घंटे के लिए, ताकि ये फ्रिज में रहेगा, इसकी जो क्रीम लगाया है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। और ये देखिए 2 घंटे बाद हमने इसको निकाला है। ये कितने अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया बना है, चॉकलेट सिरप हमने इसके ऊपर डाल दिया है।
ये चॉकलेट सिरप हमारा घर का बना हुआ है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो मार्केट का कोई भी चॉकलेट सिरप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, और ना चाहें तो बिना किसी चॉकलेट सिरप के भी ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत सॉफ्ट बना है। ये देखिए कितना अच्छा बन गया है। चॉकलेट को हमने क्रश कर लिया है किसी पीलर से और उसको हमने ऊपर से डाल दिया है गार्निशिंग के लिए। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लगता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत अच्छा स्विस रोल तैयार हुआ है बनके। ये देखिए इसको हम लोग ऐसे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा बना है। एक बार इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें, इसको बनाएं, ट्राई करें और हमें ज़रूर कमेंट में बताएं कैसा लगा।